इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। देश के 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान जारी है। बता दें कि 13 राज्यों में 1 बजे तक 39.80% मतदान हुआ है। वहीं असम की बात करें तो असम में 46.31% वोटिंग हुई है, बिहार में 33.80%, वहीं छत्तीसगढ़ में 53.09% मतदान हो गया है, जम्मू कश्मीर में 42.88% मतदान और कर्नाटक में 38.23% वोटिंग हो गई है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में 38.96% मतदान हुआ है, महाराष्ट्र में 31.77% मतदान, वहीं मणिपुर में 54.26% वोटिंग हुई है, राजस्थान में 40.39%, त्रिपुरा में 54.47% मतदान हुआ है। यूपी की बात करें तो 35.73% मतदान हुआ है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में 47.29% वोटिंग हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और 13 राज्यों में 1 बजे तक 39.80% मतदान हुआ है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देश के 13 राज्यों की 88 सीटों पर आज मतदान जारी है। वहीं छत्तीसगढ़ में 53.09% वोटिंग हुई है, कर्नाटक में 38.23% वोटिंग हुई है, वहीं दोपहर 1 बजे तक केरल में 39.26% मतदान हुआ है, वहीं एमपी में 38.96% मतदान हुआ है, मणिपुर की अगर बात करें तो 54.26% इस वक्त वोटिंग हो चुकी है, राजस्थान में 40.39% मतदान, वहीं त्रिपुरा में 54.47% वोटिंग हुई है। यूपी की अगर बात करें तो दोपहर 1 बजे तक 35.73% मतदान हुए हैं। यह आंकड़ा आपको बता रहे हैं। आज देश के 13 राज्यों की 88 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान जारी है। वहीं 13 राज्यों की सीटों पर अगर 1 बजे तक की बात करें तो 39.80% मतदान हो चुका है। आप हमारी टीवी स्क्रीन पर दोपहर 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत देख सकते हैं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोकसभा सीटों पर दोपहर 1 बजे तक क्या मतदान प्रतिशत है। जम्मू कश्मीर में 42.88% वोटिंग हुई है, वहीं कर्नाटक में भी 38 के आसपास का मतदान प्रतिशत देखने को मिल रहा है।